अखिलेश यादव हमारे जात के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये कोई है नहीं है कि मैं उनके साथ जुड़ के मैं उनके नाम पे, यादव के नाम पे मैं उन्हीं के लिए मरू मिटूंगा, ये गलत है। हमको अगर उनकी विचारधारा पसंद आएगी तो मैं उनके साथ रहूंगा, अगर नहीं आएगी किसी और की पार्टी की विचारधारा पसंद आ रही तो मैं उसमें रहूंगा। क्या कर दिए मोदी जी? मोदी जी रोड बनवा दिए, जो यहाँ का झगड़ा लड़ाई था हर जगह तीन तलाक खत्म कर दिए, सारी व्यवस्था जो है बदल गई। हाँ, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है देश विदेश के लिए, देश के लिए। मोदी महंगाई कर रहे हैं? मोदी बिल्कुल महंगाई नहीं कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। अरे कहाँ से बनेंगे भैया, कोई काम किया नहीं तो क्या करें? अच्छा, कहाँ से बनेंगे? हम तो यही साफ बात बोलते हैं। अच्छा, हाँ बहन जी तो बहुत काम किए बोल रहे हैं। काम जो और मैं पिछले डेढ़ महीने से पूर्वांचल की यात्रा पर हूं, लेकिन इस बार जिस सीट पर मैं मौजूद हूं, यह सीट खुद में ऐतिहासिक सीट है, यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज के ठीक बगल की यह सीट है जिसका नाम फूलपुर है, फूलपुर लोकसभा है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फूलपुर लोकसभा से लगातार बड़े बड़े कद्दावर नेता जीत कर दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन अब की बार क्या होगा। हालांकि अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है और अतीक अहमद इसी सीट से चुनाव थे और सांसद बनकर दिल्ली पहुंचते थे, लेकिन अब की बार माहौल क्या है, हवा क्या है, गांव क्षेत्र की माहौल क्या है, यही जानने के लिए उतरा हूं ग्राउंड जीरो पर। सर क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम शशिकांत यादव है। शशिकांत यादव जी, क्या क्षेत्र में माहौल है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या आपको लग रहा है? पश्चिम का चुनाव पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इधर क्या माहौल बना है? इधर ऐसा है कि जो है सबसे ज्यादा भाजपा के वोटर हैं हर वर्ग में, जैसे पाल, कुहाल, लोहार, सब मतलब ऐसा है जैसे हर सब लोग, जैसे राशन को ले लीजिए, राशन की वजह से खुश हैं, गांव में सबको राशन मिल रहा है, जैसे रोड है और शौचालय है, आवास है, इस समय मतलब सब लोग लाभ पा रहे हैं और भयमुक्त हैं। जैसे लोग व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो पहले क्या था, लोगों का दबाव था, प्रेशर था, लोग भयमुक्त होकर अपना बिजनेस और धंधा। क्या नाम बताए थे आप? शशिकांत यादव। यादव जी? जी जी यादव जी कह रहे हैं भयमुक्त हो गया। हाँ सब भयमुक्त है, मतलब कह रहे हैं कि अखिलेश जी की साइकिल पर सवारी करिए, अखिलेश जी की साइकिल पूर्वांचल पश्चिम से चली है, पूर्वांचल दौड़ेगी और दिल्ली पहुंचेगी। आप कहाँ? ये तो जैसे एक छोटी मानसिकता के लोगों की सोच है कि यादव और ब्राह्मण या छत्री या बनिया या एससी, जैसे हर वर्ग में लोग अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा है इसमें, जात पात जाति बात लोग करते हैं, लेकिन जो जागरूक है वही जर्नल है। जैसे पार्टियां हम लोग को मतलब एक यूज करती है जैसे अखिलेश या जातिवाद के नाम से, लेकिन हम लोग को यूज नहीं होना है। जैसे जो हमको अच्छा लगे, जहाँ जिसको अच्छा लगे उसमें उसको जाना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि जहाँ जो अच्छा लगे, जहाँ जिसको अच्छा लगे वो जाना चाहिए। अभी मुख्तार अंसारी, ये अतीक अहमद का गढ़ है, बगल में मैं मुख्तार अंसारी के घर भी गया, अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने आए, लेकिन जब अखिलेश यादव बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी को न्याय कब मिलेगा, तब आप नहीं सोचते कि अखिलेश यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी एक नेता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, योगी जी तो सबसे बुलडोजर चलवा चलवा कर सिस्टम खराब कर दे रहे हैं? हाँ, बुलडोजर की जहाँ तक बात है तो कानूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग जैसे मुख्तार अंसारी जी बहुत बहुत बड़े दायरे पे थे, अतीक अहमद जी बहुत बड़े दायरे पे थे, उन लोगों के विषय में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जैसे जो भी आजकल लोकल, जैसे हम लोग राजनीति करते हैं छोटी मोटी, जैसे प्रधानी जिला पंचायती की, या ब्लॉक बहारिया ले लीजिए, या सुराव विधानसभा ले लीजिए, तो इसमें जैसे जो भी लोगों को, जैसे जो प्रभावशाली लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो थोड़ा सा दुष्टता करते हैं समाज में, या चोरी डकैती या किसी के ऊपर दबाव करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर लगाम अच्छी है और ये लोग इससे खुशहाल है। हम ये नहीं कह रहे, जैसे लोग खुद जान रहे हैं कि जो शासन प्रशासन इस समय अपना काम कर रहा है, लोगों के ऊपर दबाव है, इससे गरीब लोग खुश हैं, क्योंकि पहले दबाव या डर भय जैसे गांव में रहता था, तो जैसे आज के समय में एक घर वाला भी, जैसे कोई पाल एक घर है हमारे गाँव में, अगर यादव 100 घर है, तो आज पाल भी वैसे जीवन यापन कर रहा है, वैसे यादव भी। नहीं तो पहले क्या समय में था कि पाल अगर एक घर है तो वो भय में रहता था, अगर यादव 100 घर है, किसी जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी जात अगर 100 की है तो वो उसके ऊपर दबाव बनाए रहती थी, इसलिए यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ कि लोग इससे इस समय भयमुक्त हैं। लेकिन यादव जी, इस पूर्वांचल में तो जातिवाद बहुत चलता है, अखिलेश जी कह रहे हैं पिछड़ा अगला दलित सबको हम लेकर चलेंगे, तो जाति पर वोट नहीं डरेगा कि भाई हम तो यादव हैं तो अखिलेश जी को ही वोट देंगे, हम यादव हैं तो साइकिल की सवारी करेंगे? देखिए, जातिवाद एक मतलब जैसे जातिवाद से लोग बंध के
जातिवाद मतलब ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम जैसे जातिवाद पे थोड़ा दो शब्द बोलना चाहेंगे। जी बताइए। जातिवाद अच्छी चीज नहीं है। अगर हम जातिवाद करते हैं या हमारा कोई भाई करता है या हमारे जात के लोग करते हैं या ब्राह्मण करते हैं या कोई भी ठाकुर करता है, छत्री करता है, पाल करता है, कुहार, लोहार, पटेल, मौर्या, कोई भी जातिवाद करता है, वो हमारे समाज के लिए एक कीड़ा है। क्योंकि जैसे जातिवाद करके जैसे हम लोग चौराहे पे बैठते हैं या गांव में बैठते हैं, तो जब हर समाज के लोग रहेंगे तभी हमको असली आनंद जीवन का मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यादव पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा यादव जी? तो देखिए, हम कोई किसी अखिलेश यादव से जैसे हम कोई हमारे मतलब पूर्वज नहीं, मतलब हमारे वो नहीं है कि मतलब हमारे गार्जियन है या हम उनके मतलब किसी अधीन है। हमारी देखिए सोच है, हमारी विचार है, हम कहीं भी रह सकते हैं, कोई यादव के नाम से हम उनके नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों पसंद आ रही है, मोदी योगी क्यों पसंद आने लगे, अखिलेश जी की साइकिल इतनी अच्छी है? तो पहली चीज तो देखिए, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं। कृष्ण भगवान के तो सपने में, अखिलेश जी के सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, पहली चीज तो ये हमारा सत्य है। दूसरी चीज, हम अपने पिताजी जैसे हमारे पूर्वज जो हैं, हम उनके वंशज हैं। अखिलेश यादव हमारे जात के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये कोई है, नहीं है कि मैं उनके साथ जुड़ के मैं उनके नाम पे, यादव के नाम पे मैं उन्हीं के लिए मरू मिटूंगा, ये गलत है। हमको अगर उनकी विचारधारा पसंद आएगी तो मैं उनके साथ रहूंगा, अगर नहीं आएगी, किसी और की पार्टी की विचारधारा पसंद आ रही तो मैं उसमें रहूंगा। तो आपको योगी मोदी की विचारधारा से सहमत? हम इसलिए सहमत है क्योंकि इसमें जो है जैसे रोड से लेके और किसी के साथ जात पात भेदभाव नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसमें पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ जैसे हम किसी जैसे आजकल सरकारी नौकरियां हैं, लोग काम करना नहीं चाहते हैं, लोग काम करना नहीं चाहते हैं। आज पहले के समय में प्राइमरी के जो टीचर होते थे वो एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन तक नहीं जाते थे विद्यालयों में पढ़ाने, और कोई नहीं, किसी विधायक सांसद से कह देते थे कि थोड़ा हमारे BSA को फोन कर दीजिए, हम 10 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उसको थोड़ा मैनेज कर ले। लेकिन आज के समय में ये है कि अगर वो 5 मिनट लेट हो जा रहे हैं तब किसी सांसद विधायक से कह रहे हैं कि सर हमारा कह दीजिए, मैनेजमेंट सिस्टम खत्म। हाँ, तो उनका जो है मतलब इस समय इतना दबाव है कि उनको जो सरकारी कर्मचारी है उनको अपना काम करना पड़ रहा है। जो अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जिनको सही गलत का फर्क है, जो मतलब जिनको ज्ञान है, जिनको बुद्धि विवेक है, उन्हीं लोगों को जर्नल कहा जाता है। जर्नल मतलब जागरूक। इसलिए जो भी जागरूक है, जो भी उनके हमारे प्रवीण पटेल विधायक जी के विचार जो जिनको भी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि वो 3 बार विधायक रहे, उनके पिताजी भी विधायक रहे, बहुत सज्जन और सरल है, सहज है, वो किसी वर्ग के, किसी जात के कोई भी जाए, उनकी हर तरीके के पद जो उनके लायक है पैरवी करते हैं, मदद करते हैं लोगों की, तो ऐसा सोचना नहीं है। वो हमारे एकदम परफेक्ट प्रत्याशी है और उनकी जीत लगभग तय है। साइकिल की सवारी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, साइकिल की सवारी में नहीं है। हम प्रवीण पटेल विधायक जी के साथ में है, हम साइकिल की सवारी में नहीं है। साइकिल की सवारी नहीं है। कहेंगे दादाजी आपका क्या नाम है? जो कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। जो जो भी कार्यक्रम है इनका बहुत अच्छा है, इसीलिए जनता भी उनके साथ है। अच्छा, जनता है क्या इस बार? बिल्कुल, जनता भी साथ है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मोदी जी की पहली रैली फेल हो गई, मोदी जी का पहले चरण में फ्लॉप हो गया। कुछ नहीं, ये सब कहने से बात अलग है, कुछ कहने से कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, हाँ, साथ है मोदी के साथ है। क्या चाचा, लहर चल रही है मोदी की, खत्म हो गई? बिल्कुल, मोदी की लहर है, मोदी की। अच्छा, वोट देना है मोदी के नाम पर देना है, और किसी से हमसे विधायक विधायक सांसद कौन आए कोई मतलब नहीं, केवल मोदी का, मोदी जी के नाम पर, के नाम पर मोदी के, मोदी जी ने जो काम किया आज तक कोई नहीं किया, इतनी उम्र में देख रहे हैं। क्या कर दिए मोदी जी? मोदी जी रोड बनवा दिए, जो यहाँ का झगड़ा लड़ाई था हर जगह 3 तलाक खत्म कर दिए, सारी भी थे व्यवस्था जो है बदल गई। हाँ, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है देश विदेश के लिए, देश के लिए। मोदी महंगाई कर रहे हैं? मोदी बिल्कुल महंगाई नहीं कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सपना देख रहे हैं 400 आएगी नहीं, लेकिन 400 पार जाएगी, 400 कहे नहीं, 400 पार भैया, 400 के पार। हाँ हाँ, 400 पार के मोदी जी के, मोदी 400 पार होने वाला है। हाँ, होने वाला है। पूर्वांचल की जनता साथ दे रही है? साथ दे रहे, पूरा 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 साथ दे रहे, रगड़कर। और साइकिल और हाथ? साइकिल और हाथ, हाथ तो हरा गया, साइकिल पंचर हो गई है। और हाथी? हाथी तो चल रही है धीरे धीरे जो है, हाथी चल रही है धीरे धीरे, हाथी धीरे धीरे चल के दिल्ली पहुँच जाए। हाँ, पहुँच जा सकती है। हाथी का नंबर आ सकता है चाचा? हाथी, हाथी का नंबर आ सकता है, लेकिन हाँ, अरे कहाँ से बनेंगे भैया, कोई काम किया नहीं तो क्या करें। अच्छा, कहाँ से बनेंगे? हम तो यही साफ बात बोलते हैं। अच्छा, हाँ, बहन जी तो बहुत काम किए बोले। काम जो काम क्या किए,
सब अपना जेब भरे। मोदी ने क्या कर दिया? मोदी ने तो बहुत कुछ कर दिया, कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिया। हाँ, जो कर दिया शायद कोई प्रधानमंत्री न किया है न कर पाएगा। अच्छा, और क्या, यहाँ से तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अरे जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, उनकी बात अलग थी। तो राहुल गांधी को नहीं समझ रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी, अरे सब देश लूट लेन, बैंक खाली कह देन, मोदी एक ऐसे रहन कि बैंक फिर तू कह देन, और क्या। खुश हैं साहब? हाँ बिल्कुल खुश है। आपकी बार बन रही है? बना है कि बन रही है? चलिए, जनता की अपनी राय है, खासकर जनता जनार्दन क्या सोच रही है। हालांकि बसपा के लोग बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन क्या बहन जी का हाथी तेज चलकर पश्चिम से लेकर पूर्वांचल से लेकर दिल्ली पहुंचेगा, या फिर साइकिल इस बार बहुत तेज दौड़ेगी, या फिर मोदी सरकार का कमल खिलकर अब की बार देश की सत्ता में अब की बार अपनी पकड़ बनाएगा। जनता जनार्दन की राय लगातार दिखाते रहेंगे और आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, फूलपुर लोकसभा पूर्वांचल से।